आदाब दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे तेलंगाना पुलिस की जानिब से शुरू करदा कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम की। दोस्तों, कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम या मुहिम जो शुरू की गई है वो अवाम की बेहतरी और माशरे से गैर समाजी अनासिर को दूर रखने की एक काविश है। ताहम पुलिस गश्त करते हुए इलाके भर में छा जाती है और मुख्तलिफ घरों पर दस्तक देते हुए यहाँ पर चेकिंग की जाती है। अब काला पत्थर पुलिस ने पिछली रात ये मुहिम शुरू की, उसके बाद क्या हुआ और ये मुहिम की शुरुआत किस लिए की गई और क्यों की गई, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके अब ख़तरनाक होते जा रहे हैं, जहां लोग ख़ुद को महफूज नहीं महसूस करते। धीरे धीरे इन इलाकों से हिजरत करते हुए शहर के मज़ाफात को अपना मस्कन बनाने लगे हैं। खदीम शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। रियासत का इक्तिसादी दारुल हुकूमत बदमनी की जद में है, मगर हमारे अरबाब इख्तियार रिवायती दावों से आगे कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज़ाना यहाँ कोई ना कोई कत्ल या इकदाम कत्ल की वारदात रोनुमा होने लगी है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का खून बहाने में मसरूफ़ हो गए हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाकों में गुरबत उरूज पर है, जिसकी वजह से गरीब माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जानिब जवान होती लड़कियां उन्हें खौफ में मुब्तला कर रही हैं। ऐसे हालात में जरायम का माशरे में पनपना नई बात नहीं और अवामी नुमाइंदे तरक्की का राग अलापते रहते हैं। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए ही सही तसव्वुर कर लें कि आप अपने घर के वाहिद चश्मो चिराग हैं। आपकी बूढ़ी माँ की पथराई हुई आँखों की रोशनी आप ही हैं। अपनी बीवी बच्चों और अजीज़ों की ज़िंदगी के आंगन में खुशियों के दिए आपसे ही जलते हैं। आपके घर के चूल्हे की आँच आपके दम से है। सुबह आप घर से निकलते हैं और शाम या रात देर गए लौटते हैं। अगर किसी दिन जब आप ज़िंदगी की गाड़ी धकेलने के लिए माश की तलाश में निकलें और निकलते ही किसी चौराहे, किसी फुटपाथ या किसी सड़क के किनारे या किसी चाय खाने में आपकी किसी से बहस हो जाए और ये बहस बढ़ते हुए तशद्दुद का रूप धार ले और कोई आपके बदन में चाकू घोंप दे और आपकी कटी फटी लाश किसी फुटपाथ पर पड़ी मिले, तो ज़रा देर के लिए सोचिए आपके घर वालों की हालत क्या होगी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपके खुशियों के आंगन में कैसा कोहराम मच उठेगा। इसका ख्याल ही आपकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है कि आपके चले जाने के बाद आपके घर वाले किसके सहारे जिएंगे। बिल्कुल यही हालत, यही सूरत हाल आज शहर हैदराबाद के शहरियों की है। शहर हैदराबाद के कई मोहल्ले जात हैं जहां कत्ल व गारतगिरी की वारदात वक्फे वक्फे से हो रही हैं और यहाँ की सड़कों पर खून फ़ज़ा में खौफ व सरासीमगी मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गई हैं। मुस्लिम नौजवान हों या फिर किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले आजकल नशे के ग़ुलाम बन गए हैं। गांजा पीकर एक दूसरे पर हमला करना अब फैशन बन गया है। रोज़ाना पेश आने वाले ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए तेलंगाना पुलिस ने कार्डन एंड सर्च मुहिम का आगाज़ किया था, लेकिन पिछले कई माह से ये मुहिम भी ख़त्म कर दी गई। पिछली शब काला पत्थर पुलिस ने कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम को मुनक्कद किया। इस मुहिम में पुलिस अहदेदारों ने सारे इलाके को अपने कब्ज़े में लेकर घर घर तलाशी ली। काला पत्थर पुलिस की जानिब से किए गए इस इकदाम में तमाम इलाके का जायज़ा लेते हुए पूछताछ की गई और साथ ही गाड़ियों की तनख्ही भी की गई। ताहम किसी मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेने का पुलिस ने दावा नहीं किया और बताया कि अवाम को इस मुहिम से परेशान होने की खत्ई ज़रूरत नहीं। पुलिस की ये कोशिश है कि अवामी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, ताकि समाज में पाए जाने वाले गैर समाजी अनासिर से उन्हें नजात दिलाया जा सके। अब यहाँ अवाम को जान लेने की ज़रूरत है कि आपकी परेशानी खुद आपकी पैदा करदा है। आपने अपना वोट बग़ैर सोचे समझे दिया है। आपकी बेरोज़गारी की अहम वजह आपकी हुक्मरान जमात ही है। आपको अपने बुनियादी हकूक़ नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपकी नहीं बल्कि आपके रहनुमाओं की गलती का नतीजा है।
इसलिए आपस में लड़ना, भिड़ना, मारना, मरना बंद करें, क्योंकि आपके लीडर्स जानते हैं कि आप एक जज्बाती आदमी हो। मज़हब के नाम पर आप वही करेंगे जो आपसे कहा जाएगा, और वो आपकी अबतर हो चुकी ज़िंदगी और आपके हालात से आंखें मूंदे अपने दबेस गालीचों और रेशमी पर्दों वाले बाला खानों में, हसीन ख्वाबों में गुमगुश्ता रहते हुए कौमी सतह पर कामयाबी के ख्वाब देखते रहेंगे। ये सब इसीलिए कि उन्हें आपकी ज़िंदगी से, आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी दुकान चमकाने के लिए आपके ओटों के तलबगार हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो कर्नाटक के नतायज देख लें, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना हो तो अपने ओट का इस्तेमाल नोट लेकर नहीं बल्कि ज़मीन की आवाज़ पर दें, तभी इलाके की तरक्की मुमकिन हो पाएगी। वरना हैदराबाद के मोहल्लेजात में मुजरिमाना सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।